अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा रामपुर पहुंची और बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना के लिए उन्होंने जनता से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने आजम खान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजम खान सिर्फ रोते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, यहां लोगों को विकास चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, आज हर मंच पर उन्हें रोना पड़ रहा है। हमारे आकाश सक्सेना हमारे भाई हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए मुझे समर्थन करना है और साथ एक भाई के लिए हम जिताने का हमारा हक बनता है, इसलिए मैं आई हूँ। और रामपुर के लिए डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ तक लोग जो है बार बार चुनाव जिताने में और चुनाव के प्रक्रिया में बिजी रहे हैं, ये आखिर क्या हो रहा है? चुनाव बार बार क्यों होता है? क्योंकि हम बात करना है तो 5 साल में एक बार हम लोगों को डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और रामपुर में क्या हम लोगों के लिए क्या हम रोज़गार दे सकते हैं, या यहाँ पे उद्योग की बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक परिवार के लिए रामपुर में हर दम हर 6 महीने में हर 3 महीने में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं जब भी आई रामपुर ने मुझे अपने पलकों में बिठा के मुझे 2 बार जिताया और रामपुर के जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता फहीम खान ने जया प्रदा से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। जनसभा स्थल पर मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद जया प्रदा जी, जो कि कमल खिलाने के लिए निकल चुकी हैं और कई दिन से रामपुर के अंदर डोर टू डोर जाकर दरवाजे दरवाजे अपील कर रही हैं कि इस बार कमल खिला दो, और कमल खिलाने के बाद एक ऐसे शख्स को सबक सिखा दो जिन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखा रामपुर के। इसका मतलब है कि लोग ने मन बना लिया और वो चाहते हैं कि विकास। अब बारंबार जो है वो चुनाव हो रहा है, ये तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि रामपुर के लिए ये सही नहीं है। वो ऐसे वरदान दिया है कि रामपुर को विकास के रूप में हम बदलने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस बार जनता ने मन बना लिया तो कमल के बीच खिले और रामपुर में ऐतिहासिक सक्सेस। महिलाओं के बारे में अपमान करना, महिलाओं के बारे में अभद्र शब्द बोलना, ये उनके स्तर के जो नेता हैं उनके लिए सही नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको सुधारना होगा। आजम आज रामपुर में 0 है, तो ये सही नहीं है। हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा और आगे भी अगर राजनीति करना होते हैं 6 साल की बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप भी मेरे साथ तारिका, पूर्व सांसद जय प्रदा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामपुर में इस बार कमल खिलेगा और कमल खिलने के बाद रामपुर की आवाज़ विधानसभा में और उसके बाद विकास की बयार बहेगी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान।